आज की तकनीकी दुनिया में हम जोमैटो और स्विगी पर ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। यह आरामदायक है और आप डिलीवरी के अनुमानित समय को ट्रैक और जान भी सकते हैं। आप डिलीवरी एजेंट से बात या चैट भी कर सकते हैं या शिकायत कर सकते हैं। ये ऐप्स एक्सेसिबिलिटी देते हैं। आप जानते हैं कि यदि आप सीधे किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं तो वे डिस्काउंट ऑफर नहीं देंगे। उसी रेस्टोरेंट से फूड डिलीवरी ऐप के माध्यम से ऑर्डर करना बेहतर है क्योंकि वे डिस्काउंट ऑफर्स देते हैं। लेकिन शायद आप इस बात से वाकिफ नहीं होंगे कि ऑफर होने के बावजूद ऐप पर उसी रेस्टोरेंट के खाने की कीमत ज्यादा होती है। हैरानी की बात है ना। साथ ही ऐप के माध्यम से डिलीवरी किए जाने वाले खाने की मात्रा उसी रेस्टोरेंट से सीधे ऑर्डर किए जाने वाले खाने की तुलना में कम होती है। उलझन में है ना, लेकिन यह सच है। आपको आश्चर्य होगा, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। हाल ही में राहुल काबरा नाम के एक व्यक्ति ने इसका परीक्षण किया और लिंक्डइन पर एक तस्वीर साझा की। उन्होंने रेस्टोरेंट द मोमो फैक्ट्री से सीधे खाना मंगवाया और कुल 512 का बिल मिला। टेस्ट के लिए उन्होंने जोमैटो ऐप पर उसी ही रेस्टोरेंट से समान खाने की चीजों की तुलना की। 75 रुपए का डिस्काउंट ऑफर लागू करने के बाद कुल बिल 690 रुपए आया। 178 रुपए की लागत का अंतर था, जिसका मतलब जोमैटो ने अतिरिक्त शुल्क लिया था। उन्होंने तस्वीर साझा की और इसे कई लोगों ने पसंद किया और इसे वायरल कर दिया। कई लोगों ने इसे फिर से शेयर किया और जोमैटो के आधिकारिक हैंडल को टैग किया। जोमैटो ने वायरल पोस्ट पर ध्यान दिया और कहा, कीमत अंतर पर हमारे साथ अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जोमैटो ग्राहक और रेस्टोरेंट के बीच एक मंच है, हम सिर्फ सेवा प्रदाता है। जोमैटो का कीमतों पर कोई नियंत्रण नहीं है और वह उनमें हेर फेर नहीं कर सकता है। कीमतें रेस्टोरेंट भागीदारों द्वारा तय की जाती है। रेस्टोरेंट की दो अलग अलग लागतें हैं, एक रेस्टोरेंट के लिए और एक संशोधित ऑनलाइन ऐप के लिए। हमने रेस्टोरेंट भागीदारों द्वारा हमें दी गई कीमतें ही रखी थी। फीडबैक के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और कीमतों में अंतर के लिए रेस्टोरेंट से सलाह लेंगे। हैरानी की बात है ना। यदि आपके पास स्विगी या जोमैटो के साथ ऐसा कोई अनुभव है तो इसे हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा करें।